दोस्तों एक छोटा सा मेंटेनेंस दिखा रहे हैं आपको। अगर ब्लेड निकल जा रहा है तो उसका मेंटेनेंस कैसे करेंगे, क्योंकि इसका फैन का दो ब्लेड निकल चुका था, तो एक ब्लेड बैठा दिए हैं और दूसरा ब्लेड बैठाने से पहले हम आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म इसका बता रहे हैं। अगर निकल जा रहा है तो आप ये स्क्रू सामने का खोल देंगे, एक टॉप का है ये वाला और नीचे का एक स्क्रू ये है, देखिए नीचे का मैंने इधर खोल दिया है, निकाल लिया है, दो स्क्रू दिया रहता है। और इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो आप बहुत सिंपल दिया है, आप क्या करेंगे इसको बाहर निकालेंगे, इधर पकड़िएगा, इसको बाहर निकाल के दिखा दें हम कैसे इसका मेंटेनेंस लोग करेंगे। इसको पकड़ के रखिए, हल्का सा हाथ लगाइए, इसको जैसे खींचेंगे तो यहाँ देखिए लॉक दिया है छोटा सा है, ये यहाँ पर लॉक है, इसको ऐसे दाबेंगे तो ये निकल जाएगा, ये देखिए लॉक फंस रहा है, थोड़ा खींचिएगा पट्टी, हाथ से इधर खींचिएगा, हाँ खींचिए, रुकिए रुकिए, हाँ चलिए, नहीं नहीं लूज करिए और थोड़ा, हाँ चलिए, यहाँ लॉक दिया है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, इधर लॉक दाबेंगे ना तो ये पट्टी आराम से निकल जाएगा, ठीक है, निकालिएगा, दाब कर रखिए, हाँ देखिए निकल गया है, अब ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, इसको पकड़ कर रखिए नहीं तो गिर जाएगा यहाँ, तो इसको हम यहाँ से बाहर निकालेंगे, ये बाहर निकाल लेंगे फिर ब्लेड लगा देंगे, रुकिएगा कहाँ रुक रहे हो, थोड़ा इसे आने दीजिएगा क्या, अच्छा ये ब्लेड यहाँ पर ऐसे करना पड़ेगा थोड़ा, हाँ हाँ यहाँ पर भी ऐसे करना पड़ेगा, हाँ खोलिएगा, हाँ खोलिए, कुछ तो लोचा है, क्या कुछ टूटा उटा नहीं है, सब बराबर है ना, यही लगा है ना, ये अपना ये है ना, ये बैंड सा हो गया, तो आप अभी पेंटेस उठा देना ये वाला, हाँ हाँ तो थोड़ा सा थोड़ा डाउन होने दीजिए, तो अब देख रहे हैं हम इसको, उठाइएगा थोड़ा, इसका मैकेनिज्म दिखा, देखिए ये रहा मैकेनिज्म, ये पूरा ब्लेड खुल चुका है, ठीक है, थोड़ा डाउन करिए, हाँ देखिए ऐसे ये वर्क करता है, ये इसका मैकेनिज्म है, ठीक है, तो मेंटेनेंस करके हम बताते हैं आपको, इसमें पत्ती डाल देंगे बहुत इजीली हो जाएगा, देखिए इधर ब्लेड हम फंसा दिए हैं और इधर भी हम ब्लेड फंसा दिए हैं, ठीक है, अब सिर्फ हमको ऐसे डालना है, सीधा ऐसे डाल देंगे और ये लॉक जो है ये वाला, ये लॉक उसमें लगा देंगे, फंसा देंगे, वेरी इजी मैकेनिज्म है इसका, देख रहे हैं, अगर मेंटेनेंस करना हो तो इस वीडियो को देख करके आप भी मेंटेनेंस कर सकते हैं, देखिए सामने वाला सिर्फ पेच खोले हैं, यानी ये वाला और इसके नीचे सामने वाला नीचे वाला एक तरफ का खोला हूँ, एक तरफ छोड़ दिया हूँ, दोनों तरफ खोलना ज़रूरी नहीं है, देखिए मैं इधर नहीं खोल रखा हूँ, ठीक है, एक ही साइड खोलिएगा और अपना मेंटेनेंस काम आप लोग कर लीजिएगा, देखिए इसका मैकेनिज्म मैंने बाहर निकाल लिया हूँ और कैसे वर्क करता है, देखिए इसमें ब्लेड फंस जाएगा, ये ब्लेड का देखिए रेंज शेप जो है दिया हुआ है, देख रहे हैं ना ब्लेड का शेप जैसे दिया है, ये वाला देखिए डाउन है तो ये डाउन वाला में जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे लगा देंगे इसको, ठीक है, ये देखिए वीडियो में ऐसे इसको डाल देंगे, ठीक है, फिर ऐसे डाल दिए और ये वाला पोजीशन जो है बैक साइड में रहेगा, इधर ऐसे रहेगा, ठीक है, फिर इसको हम ऐसे ही डाल देंगे ब्लेड लगा करके, अब हम जा रहे हैं ब्लेड लगाने और फिर इसको ऐसे, देखिए आ गया ना सेटिंग, सेटिंग आ गया और देखिए बाहर आ गया, ठीक है, ऐसे हम सेट कर लेंगे, इसमें ब्लेड डाल देंगे ना, हमारा सेटिंग हो गया, इसके नीचे सपोर्ट लग गया ना, ठीक है छोड़ सकते हैं आराम से, अब ये ईंट का सपोर्ट डाल दिए, अब ये ओपन हो गया, अब क्या करेंगे, आराम से ब्लेड एक का खांचा एक उसमें और एक ब्लेड का खांचा इसमें डाल देंगे, ये रहा हमारा निकला हुआ ब्लेड, ये आउट एरिया का है, ऐसे हम इसमें डाल देंगे, देखिए मैकेनिज्म इसका दिया है, ठीक है, और फिर इसको अंदर डाल देंगे, तो
ऐसे हमारा वर्क करता है। फिर देखिए इधर ब्लेड हम फंसा दिए हैं और इधर भी हम ब्लेड फंसा दिए हैं, ठीक है। अब सिर्फ हमको ऐसे डालना है, सीधा ऐसे डाल देंगे और ये लॉक जो है ये वाला, ये लॉक उसमें लगा देंगे, फंसा देंगे। वेरी इजी मैकेनिज्म है इसका, देख रहे हैं। अगर मेंटेनेंस करना हो तो इस वीडियो को देख करके आप भी मेंटेनेंस कर सकते हैं। देखिए सामने वाला सिर्फ पेच खोले हैं, यानी ये वाला और इसके नीचे सामने वाला नीचे वाला एक तरफ का खोला हूँ, एक तरफ छोड़ दिया हूँ। दोनों तरफ खोलना जरूरी नहीं है, देखिए मैं इधर नहीं खोल रखा हूँ, ठीक है। एक ही साइड खोलिएगा और अपना मेंटेनेंस काम आप लोग कर लीजिएगा। देखिए और देखिए ये ऑपरेट कराओ, देखो हाँ देखिए मेंटेनेंस बिल्कुल बराबर हुआ है, एकदम सही हुआ है। उठाइए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना, देखिए मेंटेनेंस मेरा डन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।